Hello everyone and welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we will see our chapter number 8, the Mumbai musicians from class 2 English Marigold book, that is from NCERT syllabus. So the chapter name is Mumbai musicians. हम यहाँ पर देखेंगे स्टोरी, इसको हम रीड करेंगे और इसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग देखेंगे हम हिंदी में, और साथ ही मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाऊंगी. ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. द मुंबई म्यूजिशियन, यानी मुंबई. मुंबई क्या है? एक प्लेस है. एंड म्यूजिशियंस का मतलब क्या होता है? म्यूजिशियंस का मतलब होता है जो म्यूजिक, जो गाते बजाते हैं, जो म्यूजिक बजाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू. तो एक बार की बात है, एक डोंकी था जिसका नाम क्या था? गोपू. ओके, ही हैड वर्कड फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर. तो उसने काफी सारे सालों तक एक फार्मर के घर पे काम किया था. अब यहाँ पे फार्मर का मतलब क्या होता है? तो फार्मर का मतलब होता है किसान. ही हैड कैरीड मेनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री. तो इस डोंकी ने, ये देखो आपको यहाँ डोंकी दिख रहा है ना, तो इस डोंकी का नाम गोपू था. तो इसने क्या किया था? बहुत सारे हैवी सैक्स, हैवी का मतलब होता है भारी, सैक्स का मतलब होता है बोरियाँ, और किसकी? तो बहुत सारी भारी बोरियां उसने कॉर्न की, कॉर्न मतलब मकाई, और शुगर केन का मतलब होता है गन्ना. तो इन सब के भारी भारी वो जो शुगर केन की बोरियां थी वो अपनी पीठ पे लादकर क्या करता था? फार्म से फैक्ट्री तक ले जाता था. फार्म का मतलब होता है खेत, और फैक्ट्री का मतलब जहां पे उस शुगर केन से चीनी बनाई जाती है. ओके, तो उस फैक्ट्री में ले जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब जैसे जैसे टाइम जा रहा था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा था. टायर्ड का मतलब थक जाता था, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बुढ़े होते हैं या कोई भी बुढ़ा होता है तो क्या होता है, वो थकना शुरू हो जाते हैं. और ओल्ड हो रहा था, ओल्ड मतलब बुढ़ा. द फार्मर सेड टू गोपू. फार्मर ने गोपू को बोला, अब ये गोपू है तो फार्मर ने गोपू को क्या बोला? यू आर अ गुड डोंकी, तुम एक बहुत अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. तो फार्मर ने डोंकी को ये सैक दे के बोला, अभी सैक में कॉर्न था, और उसको इस सैक दे के बोला कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और जाके पूरा वर्ल्ड देखो. वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? पूरा संसार, यानी विश्व देखो. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, तुम बुढ़े हो जाओ उससे पहले पहले जाके पूरा संसार देख के आओ. ओके, गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गोपू ने अपने फार्मर की बात सुन के स्माइल किया और फार्मर को गुड बाय करके वहाँ से वो निकल पड़ा. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. अब वो कहाँ निकल पड़ा? तो आप यहाँ पे साइन बोर्ड पे देखो क्या लिखा है, मुंबई. मुंबई के लिए वो निकल पड़ा. ठीक है, आई एम गुड एट म्यूजिक. और उसने क्या बोला? मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. तो मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं मुंबई जाता हूँ और मैं वहाँ जाके बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाऊँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. अब रास्ते में जाते जाते, ऑन द वे का मतलब रास्ते में जाते जाते उसको एक डॉग मिला. डॉग का मतलब कुत्ता. वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड टोपू. तो अब उस कुत्ते का नाम क्या था, उस डॉग का नाम क्या था? डोपू. तो उस डोपू ने, यानी उस डॉग ने उससे पूछा, डोंकी से, कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. तो गोपू ने बोला, मैं जा रहा हूँ मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए. वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क गोपू. तो गोपू ने डोपू से पूछा, मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? यस आई वुड रिप्लाई डोपू. तो डोपू ने क्या रिप्लाई किया? ऑफकोर्स, मैं तो आऊंगा तुम्हारे साथ. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. तो दोनों के दोनों फ्रेंड्स, यानी कि गोपू एंड डोपू, यानी डोंकी एंड डॉग, दोनों के दोनों निकल पड़े मुंबई के लिए.
और कैसे रोड पे, डस्टी रोड। डस्टी का रोड मतलब होता है ऐसा रोड जिसमें धूल मिट्टी सब पड़ी हुई है, तो वो निकल पड़े। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। अब रास्ते में जाते जाते उनको एक बॉल मिला। बॉल किसका मिला? फर का। फर का मतलब होता है एक मतलब रुएदार एक बॉल मिला, ठीक है, जिसके ऊपर काफी सारे फर लगे हुए थे। Who are you? They asked. उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? I am furry, the cat said. The cat. तो मैं कौन हूँ? मैं फरी हूँ, और फरी मतलब मैं कैट हूँ। ऐसा किसने बोला? एक कैट ने बोला। I am furry, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस कैट ने बोला कि I am furry. Would you like to come with us to become a musician? Asked Gopu and Dopu together. तो गोपू और डोपू ने दोनों ने मिलके उस फरी को पूछा कि क्या तुम हमारे साथ मुंबई आना चाहोगी म्यूजिशियन बनने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लाइड फरी। तो ये बात सुनकर जो फरी थी उसने बोला, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा, मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो तीनों के तीनों निकल पड़े मुंबई म्यूजिशियंस बनने के लिए। सून दे मेट कुकू द कॉक। अब इतने में रास्ते में उनको मिल गई ये कुकू। अब कुकू कौन है? कॉक। कॉक का मतलब ये जो मुझे से हम बोलते हैं मुर्गा। और कुकड़ू कैसा, कुकू कैसा साउंड करता है? कुकड़ुकू। ओके, इस तरह से वो साउंड करता है। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। तो कुकू बोलता है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा जो बैंड है उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। दे ऑल रिच द हाउस विद अ लाइट। अब ये सभी के सभी एक घर में पहुंचे जिस घर में लाइट चालू थी। दे वर टायर्ड एंड हंगरी। तो ये चारों काफी थक चुके थे। टायर्ड का मतलब थके हुए थे और हंगरी भी थे। हंगरी मतलब भूखे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड। तो उन्होंने क्या किया, उस घर में एक खिड़की से अंदर देखा। विंडो का मतलब खिड़की से, पीप्ड का मतलब अंदर वो झांके, और उन्होंने टेबल पे देखा कि टेबल के ऊपर बहुत सारा डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, तो डिलीशियस फूड रखा है। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन। तो उन्होंने सोचा चलो हम गाना शुरू करते हैं, हम गाएंगे तो घर के अंदर जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि भाई बाहर म्यूजिशियंस आए हैं। ओके, एंड दे स्टार्टेड, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लोग अंदर खाना खाने बैठे और इन लोगों ने गाना शुरू किया। दे सैंग। द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। जैसे ही इन चारों ने गाना शुरू किया, घर के अंदर बैठे लोगों को लगा कि बाहर कोई घोस्ट आया है। घोस्ट मतलब भूत, और वो सभी के सभी डर गए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। और डर के मारे सब लोग वहां से डर के भाग गए। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। तो जैसे ही वो सब लोग भाग गए, गोपू डोपू और फरी सभी के सभी उस घर के अंदर गए, और घर के अंदर जाके उन्होंने मन भर के खाया। तब तक खाया जब तक उनका पेट भर नहीं गया। सो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।